इंडिया की नंबर वन बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस। लेकिन यार आपने भाई एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आज से 3-4 साल पहले सभी ब्रांड बोलते थे कि मेरी बाइक का इतना माइलेज है, जैसे कि प्लैटिना और स्पोर्ट में आपको कैटलॉग में मिलता था कि 103 का, 105 का, 100 का, 99 का माइलेज है, लेकिन अब कोई ब्रांड नहीं बोलता। वजह क्या है वो आपको हम पहले दिखा देते हैं कि यार पहले टाइम पर जब हीरो की स्प्लेंडर प्लस काफ़ी अच्छा माइलेज देती थी और इसका एड में माइलेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती थी, पहले जो है इस गाड़ी में आपको यहाँ पर मिलता था कार्बोरेटर, ठीक है, अब आपको कार्बोरेटर नहीं मिलता है। तो यार पहले जो है ना कंपनी के हाथ में था कि इसका जो माइलेज है वो बढ़ा लो, एयर बढ़ा दो और पेट्रोल कम कर दो, पहले ऐसा होता था। लेकिन जब से इसमें FI आ गया और इसमें ECU आ गया, तब से कंपनी के हाथ में कोई भी चीज़ रह ही नहीं गई। टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब जैसा टेम्परेचर होगा आपके आसपास का, तो वैसे उस हिसाब से इसमें पेट्रोल और एयर जाएगा। तो अब जो है कंपनी के कुछ हाथ में रह नहीं गया है और इसके जो माइलेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। तो यार ये एक प्रॉब्लम है कि जब से ये BS6 नॉर्म आए, FI आया, तब से अब बाइकों की जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई। और लोग क्या बोलते हैं कि 15% मोर माइलेज बढ़ गया, पिकअप बढ़ गया, तो यार ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाइक जो है सिर्फ आपकी कोल्ड स्टार्ट में जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, बाकी यार प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं। इसमें आपको पहले FI नहीं मिलता था, जब तक बाइक में FI नहीं था तब तक बाइक के माइलेज काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब से FI आ गया माइलेज गिर गए हैं। लेकिन भाई एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, इस गाड़ी में वापस से कार्बोरेटर वाला इंजन आने वाला है, ठीक है। और यार इसकी भाई जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो तब से ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब यार जैसे कि भाई पहले HF डिलक्स काफ़ी अच्छा माइलेज दे देती थी, नो डाउट, लेकिन अब ये गाड़ी माइलेज नहीं देती है। कोई भी ब्रांड अब माइलेज को लेकर कोई भी कैटलॉग, कोई भी एड नहीं बनाता है, आप लोग खुद नोटिस कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी यार ये इंडिया की नंबर वन कमूटर बाइक है, नो डाउट, आज भी है, थी और रहेगी, ठीक है। हीरो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया में, लेकिन यार ये जो है ना थोड़ी सी मुझे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। बाकी यार ये गाड़ी जो है लगभग 93,000 रुपये के आसपास तक का ऑन रोड चली जाती है, लेकिन यार पहले के ज़माने में ना, आज से 4-5 साल पहले, इसका जो प्राइस था वो था 50,000-60,000 रुपये, पल्सर आती थी 75,000 रुपये की। लेकिन आज ये गाड़ी अगर आप EMI पे लेते हो तो ये गाड़ी आपको 1,00,000 रुपये के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो यार अब जो है ना मेरे हिसाब से गाड़ियों के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए इन सभी गाड़ियों की सेल फिगर बहुत तेज़ी से गिर रही है। तो ब्रांड को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सभी गाड़ियों के, ना कि लुक्स पे, सिर्फ बजाज को और हीरो को और TVS को और होंडा को अपने इंजन में जो है वापस से कार्बोरेटर देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नॉर्म्स को फॉलो कर लो यार, E20 कंप्लायंट इंजन दे दो, लेकिन ECU हटाकर कार्बोरेटर वाला इंजन दे दो भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। और हाँ, गुड न्यूज़ तो आपको मैंने दे ही दी है कि कार्बोरेटर वापस से आने वाला है, तो वेट जरूर करना, ठीक है, एंड तक आ जाएगा, प्राइस सेम ही रहेगा। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर दो, साथ ही यार भाई जो चैनल है सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।